दाना चक्रवात का प्रभाव सूबे में दिखने लगा है। बिहार की कई जगहों पर गुरुवार को तेज हवा चली। बादलों की आवाजाही के बीच 11 जिलों में बारिश से मौसम सामान्य बना रहा। सर्वाधिक वर्षा पूर्णिया के रुपौली में 101 मिलीमीटर, कटिहार में 85 मिलीमीटर, इसके अलावा बांका, जमुई, खगड़िया, नवादा, लखीमसराय, मधेपुरा, सुपौल, मुंगेर और बेगूसराय में हल्की बारिश दर्ज की गई। प्रदेश में हवा की प्रवाह 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा रहा। मौसम विभाग के अनुसार मौसम में आए बदलाव के कारण पटना सहित 29 जिलों के अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई। राजधानी के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री गिरावट के साथ 31.3 डिग्री सेल्सियस जबकि 35.7 डिग्री सेल्सियस के साथ पुपरी में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 25 से 26 अक्टूबर तक पटना सहित प्रमुख जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। शुक्रवार को पटना सहित 18 जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में जमुई, लखीमसराय, नवादा, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, समस्तीपुर, दरभंगा, भागलपुर, पटना, अररिया, गोपालगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर शामिल है। दक्षिणी भागों के एक या दो स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम केंद्र पटना के वरिष्ठ विज्ञानी सुनील नारायण तुल ने लोगों को मौसम में बदलाव को देखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है। लोगों से खुले में जाने से बचने के लिए कहा गया है। मौसम में आए बदलाव के कारण धान की फसल को भी नुकसान की आशंका है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जैसे जैसे चक्रवात मैदानी भागों में बढ़ता जाएगा उत्तरी पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से ये कमजोर होता जाएगा। इसकी वजह से बिहार आते आते इसके प्रभाव में काफी कमी आ जाएगी। हालांकि हवा की रफ्तार अधिकतम 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक संभावित है। झारखंड से सटे राज्य के कुछ जिलों में बारिश में गर्जन और वज्रपात के आसार है। राज्य के दक्षिण मध्य और पूर्वी भागों में एक दो जगहों पर मेघ गर्जन की चेतावनी है। बांका के चांदन में 42.2 मिलीमीटर, जमुई के खैरा में 42.2 मिलीमीटर, खगड़िया के बालतारा में 41.6 मिलीमीटर, जमुई के गढ़ी में 41 मिलीमीटर, झाझा में 34.6 मिलीमीटर, पूर्णिया के भवानीपुर में 32.6 मिलीमीटर, नवादा के अकबरपुर में 28.6 मिलीमीटर, इसके अलावा कटिहार के कदवा में 17.2 मिलीमीटर, कटिहार में गोगरी में 16.2 मिलीमीटर, लखीमसराय के हलसी में 15.2 मिलीमीटर, मधेपुरा के आलमनगर में 14.2 मिलीमीटर, मुंगेर में 11 मिलीमीटर, बेगूसराय के बखरी में 10.6 मिलीमीटर, जमुई के सिकंदरा में 10 मिलीमीटर बारिश हुई है।